जो हम लोगों ने ट्रेस किया, ये 4000 लोग विदेश से छत्तीसगढ़ में आए थे, 2800 को हमने ट्रेस करके टेस्ट भी किया, और उन्हीं में से जिनको हमने टेस्ट किया टारगेटेड रूप से, पहले रैंडम टेस्टिंग फिर टारगेटेड टेस्टिंग, उसमें से पॉजिटिव भी मिले, और वहां से हमारा सिलसिला चलता गया, बढ़ता गया, गांवों तक में भी एक समय 90,000 लोग तक भी होम क्वारंटीन में थे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज में आइसोलेशन में अलग संख्या रही, और आज के दिन में 1750 बेड्स का कोविड ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हम लोगों ने कर लिया है। फेज 2 और 3 में आइसोलेशन सेंटर्स 2700 बिस्तरों का इंक्लूड करते हुए 5,666 बिस्तरों का भी हमने चिन्हांकित किया है, जिसे 7,000 से 8,000 बिस्तरों तक हम लोग ले जाना चाहेंगे। आइसोलेशन, आईसीयू और वेंटिलेटर, ये अलग अलग स्टेज, और जो हम लोग मान के चल रहे हैं वो उस बात को भी ध्यान में रख के चल रहे हैं कि एक बड़ी आबादी कोरोना से प्रभावित होगी, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, ये हो ना हो, हम तो मना रहे हैं कि ना हो, लेकिन ऐसा होगा ही, इस मानसिकता को लेके हम लोग चल रहे हैं, बेटर सेफ देन सॉरी वाली जो सोच है उसको लेके चल रहे हैं, और अगर 10% आबादी भी छत्तीसगढ़ की कोरोना से प्रभावित होती है, कोरोना पहुंचता है, तो ये एक बड़ी संख्या है 30 लाख की। इसका विशेषज्ञ बताते हैं कि 80% लोग कभी अस्पतालों में भी नहीं जाएंगे, ये असिम्प्टोमेटिक रहेंगे, अपने से इम्यून सिस्टम इनका जो डेवलप्ड है वो कोरोना को परास्त कर देगा, हरा देगा, मार देगा कोरोना के वायरस को, और यही कैरियर्स के रूप में, अननोइंग कैरियर्स के रूप में, भोले कैरियर्स के रूप में संक्रमण के पात्र बनेंगे, और आगे जो विशेषज्ञों की बात है उसको लेके हम चल रहे हैं कि जो शेष 20% आबादी है जिनमें लक्षण दिख भी सकते हैं, इसमें 5% आबादी ये आईसीयू लेवल तक पहुंचेगी, आईसीयू लेवल की 50% आबादी वेंटिलेटर तक पहुंचेगी, और वेंटिलेटर में पहुंचने वाले लोगों के 80% मोर्टेलिटी हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रख के हम अंतिम वेंटिलेटर में मोर्टेलिटी की बात से लेके आइसोलेशन की व्यवस्था, क्वारंटीन की व्यवस्था और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रॉडली ये हम लोगों ने रोड मैप बनाया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है, और अभी तक जो 36 संक्रमित लोग आए हैं उसमें 26 डिस्चार्ज हो गए हैं, 10 हॉस्पिटल्स में हैं, इनका वायरल लोड कम बताया जा रहा है, तो अच्छी उम्मीद है कि ये 10 लोग भी डिस्चार्ज हो सकते हैं,